वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर एमबी क्लास। स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले ट्वेल्थ न्यू सिलेबस चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वीडियो में देखा था इसके पार्ट 1 में और इस वीडियो का ये पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उस वीडियो में हमने इसके बेसिक जाने थे और तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और स्विचुएटिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट। ओके स्विचुएटिंग सर्किट हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इट सिंबॉलिक इट स्विचिंग टेबल और हमें क्या करना है इसका, यहाँ पे दो करना है, यहाँ पे एक। ओके यहाँ पे स्विचुएटिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है और स्विचुएटिंग टेबल भी कंस्ट्रक्ट करना है और इसके बाद हमें क्या करना है इसका, एंड इंटरप्रेट इट। ओके तो ये सब क्या है हम सॉल्यूशन में समझेंगे। यहाँ पे सब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे जो सर्किट है कंस्ट्रक्ट करके दिया गया है, यहाँ पे S1, S2, S1 एंड S2। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले इसके सॉल्यूशन में, जैसा हम हर बार करते हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट पी। यहाँ पे क्या S1 दिया गया, S2। ओके यहाँ पे अगर S3 दिया रहेगा तो उसके लिए R लेते हैं, यहाँ पे S2 तक है तो क्या लेंगे हम, क्यू तक ही लेंगे। ओके नहीं तो यहाँ पे तीसरा भी आता वो R आता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, स्विच के पी के स्विच S1 कौन सा ऐसे हम स्विच S1 है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे क्लोज्ड, जिसे कि हम हमेशा लिखते हैं। और यहाँ पे स्विच S2 इज क्लोज्ड, सिंपल। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस सर्किट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, तो लिखेंगे यहाँ पे दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके जैसा हम हर बार लिखते हैं वैसा। इसलिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा इसका, उसमें हमने जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था, तो आप जाके वीडियो में लिंक है देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S, तो अब हम क्या करेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया था। ओके यहाँ पे S1 है तो S1 क्या है हमारा, P है, तो हम यहाँ पे पहले P लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है पैरेलल में रहता तो हम क्या यूज़ करते, और का साइन यूज़ करते, तो यहाँ पे हम और यहाँ पे S2 है। S2 मतलब अगर डैश का क्या होगा, S2 का पहले हम क्या लिख देंगे, नौ क्यू लिख देंगे। ओके S2 का क्या लिख दिया हमने, क्यू लिख दिया। यहाँ पे क्या दिया गया, डैश दिया गया, डैश का क्या हो जाएगा, नॉट। अगर यहाँ पे डैश नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट नहीं लगता, सिंपल। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये दोनों पैरेलल में, मतलब पैरेलल में तो कौन सा साइन आएगा, और का आएगा। ओके पैरेलल है तो और, अगर सीरीज में रहेगा तो एंड का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, S1 है, जैसे हमने यहाँ पे S2 था तो निगेशन नॉट क्यू कर दिया, तो यहाँ पे S1 है तो क्या कर देंगे, नॉट पी कर देंगे। ओके नॉट पी। और यहाँ पे S2 है, ये क्या है सीरीज में, यहाँ पे हमने क्या किया पहले S2 लिखा, S2 क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्या है सीरीज में, सीरीज में रहता तो हम कौन सा साइन यूज़ करते, एंड का साइन। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया इसका, एंड किया। यहाँ पे हम इतना बनाने के बाद क्या करेंगे, हमारा इसका सिंबॉलिक फॉर्म होने का क्या करेंगे, हम सिचुएटिंग टेबल बनाएंगे, सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे उसको इंटरप्रेट इट, यहाँ लिखते हैं हम सिचुएटिंग टेबल। ओके सिचुएटिंग टेबल और इसके बाद क्या, हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन में जिसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म किया था इसे देखेंगे। यहाँ पे हमें पी क्यू दिया गया और बाद में इन दोनों का निगेशन में दिया गया है, निगेशन पी नॉट पी, इसे हम कहते हैं नॉट क्यू। ओके तो यहाँ पे पहले हम पी क्यू का करते हैं, पी क्यू क्या निगेशन पी, निगेशन पी और इसके बाद निगेशन
ओके, बाद में हम इसे एक एक करके लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पी का लिखेंगे, पी का क्या होता है 1 1 2 2। देखिए मैं वापस से बताता हूँ आपको, यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रू रहेगा तो 1 लिखेंगे, फॉल्स रहेगा तो 0। ओके, तो यहाँ पे पी का हम क्या लिखेंगे, पी में जैसे कि हम ट्रू ट्रू लिखते थे फॉल्स फॉल्स उसके बाद, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 1 0 0। ओके, और क्यू में क्या लिखते थे, TF TF, यहाँ पे 1 0 1 0। और यहाँ पे निगेशन पी, इसका हम क्या करेंगे, नॉट पी का करेंगे, 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है इसका भी 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1। बाद में इसका निगेशन करेंगे, यहाँ पे 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। ओके, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं इसके बाद। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं उसमें से ये पहला लेंगे, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों को साथ में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट लेते हैं, पे पी और निगेशन नॉट क्यू। ओके, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ये सेकेंड, यहाँ पे इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, नॉट पी, यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्यू, उसके बाद हम क्या है पूरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों लिखते हैं हम पी और नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू। ओके, तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमें पी और निगेशन क्यू नॉट क्यू करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पी कहाँ पे, यहाँ पे पी है, और इसके बाद यहाँ पे निगेशन पी कहाँ है, यहाँ पे निगेशन क्यू, सॉरी यहाँ पे निगेशन क्यू है। ओके, तो हम क्या करेंगे दोनों का, और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ओके, नहीं तो अदरवाइज इसमें दोनों ज़ीरो रहेगा तो ही ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे एक भी 1 है, मतलब टी का क्या है ये 1 है, तो क्या एक भी 1 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, मतलब एक 1 है यहाँ, यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे दोनों 0 है, यहाँ पे एक 1 है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस बॉक्स में हमें क्या दिया गया है, नॉट पी एंड दिया गया है और क्यू। ओके, यहाँ पे हम पहले नॉट पी देखते हैं, कहाँ पे नॉट पी हमें यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका हमको क्या करना है, एंड करना है। एंड में क्या होता है, एंड में अगर एक भी क्या होगा फॉल्स होगा, मतलब 0 होगा, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, अदरवाइज दोनों क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे अगर एक भी 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 है। ओके, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे दोनों 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक 0 है, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों देखेंगे, ओके, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे ये, ओके, और यहाँ पे ये दोनों का क्या हुआ है, और हुआ। और में क्या होता है, अगर एक भी टी रहता है, मतलब क्या 1 रहेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ये दोनों में हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टी है, मतलब क्या है, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1। ओके, यहाँ का पे एक भी टी रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द और रूल यहाँ पे टी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टी का वर्क कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, यहाँ पे एक भी 1 है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पूरा 1 है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इनपेरेट करना है, क्या करना है, इनपेरेट। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लाइट लास्ट में वो क्या है, 1 1 है, मतलब क्या लाइट है जो हमेशा क्या है, ग्लो करेगी। अगर यहाँ पे एक भी 0 रहता तो उसमें क्या होता, लाइट ऑफ होती, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं जलती। और यहाँ पे क्या है, जो पूरा 1 1 है, मतलब जो लाइट है वो ग्लो करेगी, जो लैम्प हमारा है वो क्या होगा, ग्लो करेगा। तो हम यहाँ पे यहाँ लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में, ओके, इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे द लैम्प, लिखेंगे द लैम्प विल ग्लो ऑलवेज, क्या ग्लो
ऑलवेज ओके इररिस्पेक्टिव, सिंपल यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ स्विचेस, सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ कंडीशन ऑफ स्विचेस, मतलब स्विचेस के कंडीशन में यहाँ पे जो लाइट हमारा लैंप है वो हमेशा ग्लो करेगी, यहाँ पे स्विचेस सिंपल। तो यहाँ हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, एक बार हम वापस से समझ लेते हैं हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या किया है। यहाँ देखते हैं हम पहले क्या किए, यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे इसको लेट किया, पी क्यू लिया यहाँ पे, क्योंकि एस थ्री रहता तो क्या लेते हैं हम आर भी लेते, पर यहाँ पे एस वन एस टू ही है तो क्या पी और क्यू लेंगे, और लिख दिया हमने स्विच एस वन इज़ क्लोज। यहाँ पे आपको हर बार ऐसा लिखना है, अगर आर रहेगा तो स्विच एस थ्री इज़ क्लोज, आप ऐसा लिखेंगे ओके। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में पी और क्यू लिखा, उसके बाद लिखा दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस एज, बाद में हमने इसका क्या किया सिम्बॉलिक फॉर्म किया ओके। तो यहाँ पे सिम्बॉलिक फॉर्म हमने कैसा किया देखते हैं, यहाँ पे एस वन है तो यहाँ पे क्या किया हमने पी लिखा, एस टू डैश यहाँ पे क्या और है मतलब पैरेलल में, पैरेलल में क्या तो और, यहाँ पे एस टू डैश में क्या निगेशन नॉट क्यू ओके। एस टू क्या हमारा ये, यहाँ पे ये इसका साइन हो गया तो क्या हो गया निगेशन हो गया। यहाँ पे और, यहाँ पे और कैसे, यहाँ पे क्या है पैरेलल में ओके। यहाँ पे हमने जो इसका ब्रैकेट है दोनों का किया था ओके, उसके बाद हमने क्या किया ये यहाँ पे दोनों का एक ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, तो इसको हमने क्या कर लिया और में ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे क्या लिखा एस वन डैश लिखा है, तो यहाँ पे एस वन क्या है, एस वन क्या है पी है, यहाँ पे ये डैश है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे नॉट का साइन। उसके बाद यहाँ पे क्या सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं एंड करते हैं एंड, उसके बाद एस टू एस टू एज यहाँ पे क्यू एज इट इज़ ओके। यहाँ पे हमने इसको इसका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा किया, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म करने का हमने क्या किया इसका स्विचिंग टेबल बनाया, उसके बाद इंटरप्रिटेड किया। चलो उसे देखते हैं, यहाँ पे हमने स्विचिंग टेबल बनाया, उसमें हमने क्या लिया पी क्यू, यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू ओके, यहाँ क्यू यहाँ पे उसके बाद नॉट पी और नॉट क्यू ओके। तो इस यहाँ पे हमने चारों जो है वो लिया सिंपल। तो यहाँ पे अगर आपको नॉट पी नहीं दिया जाता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर नॉट पी नहीं रहता तो नहीं लिखते सिंपल। यहाँ पे दिया गया तो हमने क्या क्या लिखा, और यहाँ पे पी में हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पे हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करते थे, तो ट्रू का क्या है यहाँ पे वन है और फॉल्स का क्या है ज़ीरो है, तो हमने उसको उसमें वन टू के वन ज़ीरो के फॉर्म में इसको लिखा टी, ट्रू का वन यहाँ पे फॉल्स का ज़ीरो सिंपल। उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों का क्या कर दिया एंड और किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसका एंड यहाँ पे इसका और किया, यहाँ पे हमने एंड ए दोनों का उसके बाद किया ओके, यहाँ पे सॉरी हमने और किया ए दोनों का। यहाँ पे हमने और में क्या देखा, और में अगर एक भी टी रहता है मतलब यहाँ पे क्या है टी क्या है वन है, तो यहाँ पे ओके यहाँ पे हमने यहाँ पे ये यहाँ पे ये हुआ तो यहाँ पे ओके। तो सिंपल हमें यहाँ पे लास्ट में क्या मिला जो पूरा है स्विच क्या ऑलवेज ऑन है, ऑन हमेशा अगर स्विच रहेगा तो क्या होगा लैंप ग्लो। तो हम इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे द लैम्प विल ग्लो ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ स्विचेस, मतलब इस कंडीशन के स्विचेस में जो हमारा लैम्प है वो क्या होगा हमेशा जलता रहेगा ओके। तो चलिए सब क्वेश्चन टू देखते हैं, सब क्वेश्चन टू में मैं यहाँ पे सर्किट दिया है, तो चलिए हमें सर्किट टू देखते हैं। यहाँ पे सीरीज में जो है एस वन ही है, यहाँ पे इनके सीरीज में दो है, यहाँ पे मतलब इसका जो होगा एंड होगा, यहाँ पे एस वन डैश है और एस टू डैश है, और यहाँ पे नीचे इसके पैरेलल में एस वन और एस टू दिया गया है ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लेट पी और क्यू करेंगे, यहाँ पे अगर एस सी रहता तो आर करते, आर को भी हम साथ में लेते ओके। यहाँ पे करेंगे हम पहले लेट, यहाँ पे लेट पी क्यू आपको हर बार लिखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट ऑफ द टाइम लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ओके। यहाँ पे 1 2 3 हमने यहाँ पे लेट पी और क्यू ओके, यहाँ पे इनका हमने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पी क्यू में स्विच क्या पी एस वन इज क्लोज ओके, जैसे हमारे बार लिखते हैं वैसा, और यहाँ पे स्विच एस टू इज क्लोज्ड सिंपल। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, हम यहाँ पे दिस
circuit can be expressed as, ओके तो हम यहाँ पे क्या, हमें एस वन दिया, एस वन क्या है, पी है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे पी, ओके यहाँ पे पी, और इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये क्या है और, यहाँ पे इसके नीचे पैरेलल में ना, तो क्या होगा और लिखेंगे और का साइन, यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, एक ब्रैकेट में आएंगे, यहाँ पे सीरीज में तो क्या होगा एंड होगा, और ये क्या है एस वन डैश मतलब पी नॉट पी, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे एस टू मतलब यहाँ पे डैश है, तो क्या हो जाएगा एस टू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे नॉट, और इसके बाद यहाँ पे क्या है ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे और का साइन आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था इसको एंड किया था, सॉरी यहाँ पे एंड का साइन लगा देते ओके, हमने और कर दिया था, यहाँ पे एंड का ही साइन रहेगा, और यहाँ पे एस वन, एस वन दिया क्या यहाँ पे एस और एस टू, तो क्या हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे पहले, यहाँ पे एस वन और एस टू क्या करेंगे लिखेंगे पी क्यू, दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था इनका ओके। तो अब हम क्या करेंगे क्या स्विचिंग टेबल बनाएंगे, चलिए स्विचिंग टेबल देखते हैं, इसका लिखते हैं यहाँ स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल, और यहाँ क्या करते हैं पी ए, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे नॉट पी है, नॉट पी, यहाँ पे नॉट क्यू, इन दोनों का नॉट भी, तो हम क्या करेंगे नॉट भी लेंगे ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पहले हमने क्या किया था उस बार जो टी था हमने क्या किया था ओ वन, और यहाँ पे एफ है तो ज़ीरो, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू रहता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वन वन, उसके बाद क्या एफ एफ रहता है तो ज़ीरो ज़ीरो ओके, यहाँ पे ये लाइन, और इसके बाद यहाँ पे हम क्यू का वन ज़ीरो वन ज़ीरो, इसके बाद हम इसका नॉट करेंगे पी का, पी का नॉट करेंगे वन ज़ीरो, यहाँ वन का ज़ीरो हो जाएगा, वन ज़ीरो का वन हो जाएगा, ज़ीरो का वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू का क्या हो जाएगा क्यू यहाँ पे तो वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे अब इसको लेंगे, हमारा ये सिम्बॉलिक फॉर्म है जो, इसको हम क्या करेंगे टेबल में लिख के इसका क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले इसको लेते हैं, इसको पहले इसे हम ले लेते हैं, यहाँ लिखते नॉट पी एंड, इसका हम एंड करेंगे नॉट क्यू के साथ, इसके बाद हम इसे लेंगे यहाँ पे पी एंड क्यू ओके, और उसके बाद हम किसको लेंगे, हम यहाँ पे इसको लेंगे, इसके बाद ये जो पूरा है इसको लेंगे सिंपल, यहाँ पे पी का और करेंगे हम किसके साथ, इसके साथ, यहाँ पे हम ये इसको लिख देते हैं नॉट पी एंड नॉट क्यू, इसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों का क्या करेंगे और करेंगे इसके साथ, मतलब यहाँ पे हम पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म का है उसे हम लिखेंगे ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं और पी एंड क्यू सिंपल। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं, हमें यहाँ पे नॉट पी एंड नॉट क्यू मतलब हमें इन दोनों का क्या करना है नॉट करना, यहाँ पे इसका क्या करना है हमको एंड करना है। एंड में क्या होता है, एंड में अगर एक भी क्या होता है ज़ीरो होता है, जैसे एफ था वहाँ पे हम क्या करें ज़ीरो, अगर एक भी ज़ीरो रहेगा तो क्या होगा वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा ओके। यहाँ पे क्या है ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे एक ज़ीरो तो ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ पे दोनों वन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे इसका देखते पी, यहाँ पे ये एंड ओके, पी एंड क्यू मतलब इनका ये दोनों का क्या होगा एंड करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे ज़ीरो वन वन है तो क्या होगा एंड में अगर ज़ीरो रहता है एक भी तो ही ज़ीरो आते हैं, यहाँ पे दोनों वन वन तो क्या होगा यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या है एक भी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो है, यहाँ पे ये ज़ीरो है ओके, यहाँ पे एक था, यहाँ पे ये तीनों में ज़ीरो है, यहाँ पे तीनों में ज़ीरो ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम पी, पी का क्या करेंगे हम, अब
पी को इससे सॉल्व करेंगे, मतलब पी किसके साथ जाएगा, पी जाएगा इसके साथ। ओके, पी को हम क्या करेंगे इसके साथ, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका और करना है। और में क्या होता है, अगर एक भी टी मतलब यहाँ पे एक भी वन रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वन आएगा। ओके, तो यहाँ पे पी और यहाँ पे हम देखते हैं क्यू, वहाँ पे क्या है, एक वन है। ओके, तो और है तो यहाँ पे क्या होगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे क्या है, ये एक वन है, यहाँ पे ज़ीरो, एक वन है मतलब वन, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे वन है, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सबसे बड़ा बॉक्स यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, इसको अभी सॉल्व किया। ओके, मतलब यहाँ पे ये, यहाँ पे हम और करेंगे इसका, इसका हम क्या करेंगे, और करेंगे किसके साथ करेंगे, पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, और करेंगे। और में हमने अभी बताया था कि अगर एक भी टी रहेगा मतलब वन रहेगा एक भी, तो वन आएगा। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे दोनों ज़ीरो, क्या होगा, ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इतना होने का तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे लिखेंगे इंटर प्रिटेशन। ओके, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ये है, ओके, यहाँ पे ये बस ऑफ है, तो यहाँ पे हम इसको जो पहली लाइन है यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये ऑफ है, जबकि यहाँ पे ये वन वन, मतलब वन वन क्या है, किसका साइन है, जब लाइट ग्लो होगा हमेशा, अगर यहाँ पे पूरा ज़ीरो रहता तो यहाँ पे ये सारे स्विचेस जो है ऑफ हो जाते थे। यहाँ पे वन वन ए स्विच ऑन है, ए भी स्विच ऑन है, यहाँ पे ए स्विच ऑन है, और यहाँ पे ये स्विच है जो वो ऑफ है, बट किस कंडीशन में ऑफ है, यहाँ पे अगर जब पी ज़ीरो होगा और क्यू वन होगा तो क्या होगा, ये स्विच ऑफ होगा। तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, क्या हमेशा जलेगा, बट लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, ओके, एक्सेप्ट, यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट व्हेन, जब कम नहीं जलेगा यहाँ पे लैम्प, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे किस में, जब जो एस वन क्या होगा, ज़ीरो, मतलब ये क्या होगा, ऑफ होगा, और क्या है, ये जो क्यू है यहाँ पे वन मतलब ऑन होगा, यहाँ पे जब ऑफ होगा और एस वन जब ऑफ होगा, तो लिखेंगे व्हेन एस वन इज, यहाँ पे क्या, ज़ीरो मतलब ऑफ। ओके, एंड एक क्यू एस वन, यहाँ पे एस टू, तो क्यू क्या, एस टू क्या इज ऑन, मतलब वन है मतलब चालू ऑन, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो स्विच है वो क्या होगा, ऑफ होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, जो लाइट हमेशा जलेगा, एक्सेप्ट व्हेन एस वन इज ऑफ एंड एस टू इज ऑन। ओके, सिंपल। चलिए हम यहाँ पे लास्ट सब क्वेश्चन फाइव देखते, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव देखते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग, मतलब हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करना है। ओके, बाद में क्या करना है, ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग स्विचेस, ओके, सर्किट, सिंपल। यहाँ पे इसका क्या करना है, उसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो, तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे और उसको हमें क्या करना है, सर्किट रेडी करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना है। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया सब क्वेश्चन, फर्स्ट में पी और यहाँ ब्रैकेट में क्यू, यहाँ पे एंड और यहाँ पे नॉट क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोनों क्या है, क्यू क्यू है, यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, आपको तो लॉ याद ही हो गया होगा, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे लॉ है जो याद हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये दोनों क्या है, क्यू क्यू यहाँ पे नॉट है। ओके, यहाँ पे बीच में कौन सा भी साइन रहे, यहाँ पे एंड रहेगा या फिर और रहेगा, अदरवाइज कोई और साइन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ इसका
यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, यहाँ पे क्या है ये निगेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू फॉल्स एंड क्या करता है, एंड जो फॉल्स रहता है उसको नीचे लेके जाता है। तो हम क्या नीचे लेके आ जाएंगे, दिस यहाँ पे एफ आएगा नीचे, ओके। और यहाँ पे जस्टिफिकेशन रीजन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉ, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस है, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका और है, यहाँ पे क्या एफ मतलब ये ट्रू है, ओके। यहाँ पे फॉल्स है, अदरवाइज ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रू रहता तो ये फॉल्स होता। तो और क्या करता है, और जो ट्रू रहता है उसको क्या करता है, नीचे लेके आएगा, मतलब उसको आगे लेके जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस है, हम क्या करेंगे यहाँ पे पी को नीचे लेके आएंगे, ओके। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमें इसका क्या करना है, ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग स्विचेस, ओके सर्किट। यहाँ पे इसे स्विचिंग सर्किट में अभी हमें बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट, सिंपल। यहाँ बनाते हैं, ये क्या है पी है, मतलब क्या है एस वन है। तो यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे एस वन, ओके। हमारा है जो सर्किट, और यहाँ हमारा लैम्प, यहाँ पे हमारा बोर्ड, ओके। यहाँ पे हम दिखा देते हैं जो करंट है ऐसे इसमें से जाएगा, सिंपल। तो हमारा यहाँ पे सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन 2 देखते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे नॉट पी एंड क्यू, यहाँ पे इसके बाद और, उसके बाद नॉट पी एंड नॉट क्यू, यहाँ पे और, यहाँ पे पी नॉट क्यू, ओके, पी एंड नॉट क्यू। तो इसे क्या करेंगे हम, सिंपली करेंगे, ओके। इसे हम अब सिंप्लीफाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें अब ध्यान देना है इसको सॉल्यूशन में क्या, यहाँ पे जो नॉट पी एंड है, नॉट पी एंड, और यहाँ पे नॉट पी एंड, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर ले लेते, ओके। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे नॉट पी एंड, और बाद में ये पी, और यहाँ का ये नॉट, और ये नॉट क्यू, ओके। यहाँ पे सॉरी क्यू, यहाँ पे नॉट क्यू, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा इनके बीच में, इसका साइन आएगा किसका, और का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू और नॉट क्यू, सिंपल। और यहाँ पे ये बचा हुआ लिख देंगे पी एंड नॉट क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे क्यू। यहाँ पे हमें क्यू और यहाँ पे नॉट क्यू दिया गया, यहाँ पे साइन कौन सा, और क्या करता है, हमेशा जो ट्रू रहता है उसे आगे भेजता है, अगर एक भी ट्रू है तो वो आगे जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले इसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लॉ कौन सा यूज़ किया वो लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉ के थ्रू जो टी क्या क्या यहाँ पे एंड इसका करना है। एंड में क्या होता है, फॉल्स, यहाँ पे अगर ट्रू है तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड करेंगे तो ये जो है नॉट पी, ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ओके, आइडेंटिटी लॉ के थ्रू। यहाँ पे हम इसे नीचे लिखते हैं, और इसके बाद ये हम पूरा लिखते हैं। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस से इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका इसके साथ क्या कर देंगे, हम और कर देंगे, ओके। यहाँ पे एक बार इसके साथ, और इसके बाद एक इसके साथ, यहाँ पे हम इसे अंदर लेके जाते हैं पी को, पी और यहाँ पे ये पी, ओके, सिंपल। यहाँ पे ये जो साइन है अंदर, ये क्या होगा, ये बाहर आएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद ये इसके साथ और करेगा, यहाँ पे नॉट पी और यहाँ पे और नॉट क्यू,
हमने यहाँ जैसे देखा था क्यू है और यहाँ पे और यहाँ पे, वैसे ही हम यहाँ पे जो पी पी है यहाँ पे नॉट है। ओके तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे और क्या होता है, ट्रू होता है हमेशा, मतलब ये दोनों ट्रू है। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, मतलब ये फॉल्स जो ट्रू नीचे आएगा तो कौन से लॉ के थ्रू आएगा, तो हम क्या है यहाँ पे ये एज इट इज नीचे ले लेंगे, नॉट क्यू। ओके तो यहाँ पे हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, क्या रीज़न हो जाएगा यहाँ पे। ओके कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे जो टी ट्रू यहाँ पे एंड यहाँ पे, ओके यहाँ पे अगर ट्रू है तो ये क्या होगा फॉल्स, एंड क्या बोलता है जो फॉल्स हमेशा नीचे आएगा, तो इसको क्या हम नीचे ले लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, आइडेंटिटी लॉ लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ। ओके यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्विचिंग सर्किट। ओके स्विचिंग सर्किट, यहाँ पे क्या दिया गया हमें, नॉट पी और नॉट क्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या है और में, और में क्या होता है देखो, यहाँ पे हमने क्या किया पहले इसका बनाया, इसका नॉट पी का मतलब एस वन डैश। ओके और इसके बाद यहाँ पे और क्या, और मतलब और हमेशा पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल में ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एस टू डैश हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा जो सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे स्विचिंग सर्किट जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लैम्प जोड़ देते हैं लैम्प, और यहाँ पे इसका हमने सर्किट नहीं बनाया वो बना देते हैं सिंपल, यहाँ पे ये ऐसा। ओके आप प्रॉपर कर दीजिए इसे। यहाँ पे नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन थर्ड, थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें दिया गया पी और यहाँ पे बॉक्स में नॉट क्यू और यहाँ पे और यहाँ पे नॉट आर। ओके यहाँ पे हमें दिया गया एंड पी और यहाँ पे बॉक्स में ब्रैकेट में क्यू एंड आर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले। ओके यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, हम यहाँ पे हमें जो ये दो साइन है निगेशन निगेशन, हम क्या करेंगे इसको बाहर लेंगे और ये जो साइन है ये क्या होगा चेंज होगा, कौन से लॉस होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन था उसको पहले ध्यान से देखना है उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसे हम करेंगे, उससे हमारा क्या तो क्वेश्चन सिंपली होगा। ओके तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं पी यहाँ पे और इसे हम बाहर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोनों बाहर आएंगे, यहाँ पे क्यू यहाँ पे साइन किसका है, यहाँ पे साइन और का है, तो ये कौन सा साइन में हो जाएगा एंड हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ये आर हो जाएगा। ओके और सॉरी एंड और ये एज इट इज़ पी और पी सॉरी क्यू यहाँ पे एंड। ओके तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ये क्या है दोनों सेम, तो हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पी और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में ये दोनों को हम लिखेंगे पहले ये आफ्टर दैट वो। ओके यहाँ पे नेगेशन क्यू यहाँ पे क्या है एंड आर और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा हमें एंड का यहाँ पे जो। ओके इसके बाद एज इट इज़ हम इसे लिख देंगे सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके कॉम्प्लीमेंट लॉ अकॉर्डिंग टू दैट लॉ यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ हम यहाँ पे इसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है क्यू और यहाँ पे निगेशन क्यू यहाँ पे क्या है एंड है। ओके एंड का रूल क्या बोलता है, अगर वहाँ पे एक भी क्या है फॉल्स है तो वो है
वो आगे लिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे निगेशन, तो ये निगेशन का ट्रू का क्या हो जाएगा, एफ मतलब क्या होगा, एफ जो है वो नीचे आएगा। ओके, और ये बाकी ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, तब एफ हो जाएगा, और यहाँ पे इसका पी और। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, वो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिंपल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी लॉ के थ्रू क्या करेंगे, ये जो एफ है इसके साथ हम इसका क्या पी के साथ और करेंगे। तो और में क्या होता है, अगर ये एफ ट्रू है फॉल्स है तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। और में क्या, अगर जब ट्रू रहता है तो नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। कौन से लॉ से, आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो इसका हमने क्या किया, सिंपली सॉल्यूशन किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्विचिंग सर्किट। ओके, सर्किट यहाँ पे क्या, हमें पी है तो पी का क्या होता है, एस वन। ओके, यहाँ पे ये एस ए, यहाँ पे एस वन, यहाँ पे इसका क्या हम बोर्ड बना देते हैं। ओके, यहाँ पे लैम्प, और यहाँ पे हमारा जो है स्विचिंग सर्किट बन गया। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सब क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन 4 में काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया, बट इसका जो हमें पीछे आंसर वो क्या है, इनकम्प्लीट दिया गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम जो इसका ओरिजिनल आंसर है या फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले इसका जो सॉल्यूशन पहले से करके सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पी एंड क्यू एंड नॉट पी दिया गया है, तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ के थ्रू हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे इसको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो इसको इसके साथ कर देंगे पी एंड नॉट पी, यहाँ पे ये और ए क्यू। ओके, तो बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एंड आर क्या है, कॉमन है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, ये दोनों को एक बड़ी बॉक्स करके बड़ा ब्रैकेट बना के उसमें लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं यहाँ पे एंड आर। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको पी को नॉट पी यहाँ पे एंड क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम बड़े बॉक्स में लिखेंगे दिस पी एंड क्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंड का साइन, तो यहाँ पे एंड एज इट इज, बाद में इसको एज इट इज। ओके, यहाँ पे जो हमारा बड़ा ब्रैकेट। ओके, सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया बाहर एंड आर को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, से नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉट पी और पी दिया गया है, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे एंड। एंड में क्या होता है, हमेशा जो एफ रहता है वो नीचे, अगर ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे, अगर ये नॉट है ओके, यहाँ पे हर बार की तरह क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ में क्या, एफ नीचे आएगा और ये जो एंड, एंड इसके साथ और ये क्यू। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, सिंपल। यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे हम कौन सा जस्टिफिकेशन के लिए लॉ यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ के, तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं यहाँ पे और पी एंड नॉट क्यू, यहाँ पे एंड आर। ओके, कौन सा लॉ हमने यूज़ किया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। सिंपल, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हम क्या, आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इसका एंड में क्या होता है, एंड एफ, अगर यहाँ पे एफ तो दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो ट्रू फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर एफ दे दिया मतलब क्या होगा, एफ का वो आगे आएगा। तो यहाँ पे हम एफ करेंगे, एफ यहाँ पे और यहाँ पे जो पूरा ब्रैकेट है उसे लिख देंगे। ओके,
यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया वो याद रहना चाहिए हमको, और यहाँ पे हम लॉ है लिखते हैं कौन सा लॉ यूज़ किया, आइडेंटिटी लॉ। ओके आइडेंटिटी लॉ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ है और यहाँ पे ए, और ये दोनों का क्या, अगर मैं यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे क्यू है ओके, और यहाँ पे और में क्या, ए अगर फॉल्स है यहाँ पे ए ट्रू होगा ओके। तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो और का रूल क्या कहता है, अगर ट्रू है तो क्या वो नीचे आएगा। तो क्या ये जो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये क्या नीचे आएगा, कौन सा लॉ होगा वापस से, आइडेंटिटी लॉ। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एंड, यहाँ पे नॉट क्यू, और यहाँ पे एंड। तो कौन सा लॉ हमने यूज़ किया वापस से, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोचेंगे इसको आगे सॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ से यहाँ करेंगे, बट नहीं ये वापस से घूम फिर कर ब्रैकेट वापस से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन जो है यहीं तक मिला है, बट हमें क्या है टेक्स्ट बुक में पीछे और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में अदरवाइज चेंजेस आए, बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका जो परफेक्ट आंसर हमने यहाँ तक निकाल लिया है। तो चलिए इसका हम सिचुएटिंग सर्किट बना लेते हैं, लिखते हैं यहाँ सर्किट ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं अब हम इसका बनाते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एंड में दिया गया ये पी क्यू ओके, तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ये और यहाँ पे ये ओके। यहाँ पे नॉट पी है तो एस वन डैश, और यहाँ पे क्यूब है तो सीरीज में एंड है तो क्या होगा सीरीज ओके, यहाँ पे एस टू हो जाएगा क्यू एस टू। उसके बाद क्या दिया गया और दिया गया और के नीचे हम यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे हमें पी यहाँ पे एंड यहाँ पे क्यू सिंपल, तो पी का क्या हो जाएगा एस वन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो नॉट क्यू है उसका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसका एस टू डैश कर देंगे। और यहाँ पे क्या एंड दिया गया, तो एंड में हम क्या करते हैं एंड इनका इसके साथ ये यहाँ पे देखिए पूरा ब्रैकेट में इसका साथ एंड मतलब क्या होगा ये इसके साथ सीरीज में आएगा ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको आर आर है तो एस थ्री ओके। तो अब हम क्या करते हैं इसे ज्वाइन कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे हम इसको यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे और बैटरी लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ पे लैम्प ओके। तो यहाँ पे हमें जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये आ रहा है, बट हमें यहाँ पे पीछे प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा और यहाँ पे आधा आंसर दिया गया है ओके। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद हमें ऐसे ही मिला। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि जो क्वेश्चन चेंज हो या फिर इसे पीछे आंसर इसका ये छप जाए ओके। तो यहाँ पे जो इसका हमने यहाँ पे सिंपली जो इसे सॉल्व किया इसे सिंप्लीफाइड किया बाद में जो सोचिंग सर्किट बनाया, तो अगर ये क्वेश्चन यही है तो इसका आंसर भी क्या है यही है ओके। नेक्स्ट ईयर क्या होगा इसका प्रिंटिंग मिस्टेक सही हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे आपको ऐसा जो सर्किट बनाना है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट लेसन हुआ कंप्लीट हुआ, तो हमारा नेक्स्ट लेसन आने वाला, तो उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ओके। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।